कितने का फटका? नेहा तेरे को रिटायरमेंट ले लीजिए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैं परेशान आ गया, तुमने वीजा कैंसिल कर दिया मेरा। रो रहा है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो वीक एंड की नहीं है, वीक डे की है और हम घर पे हैं। 8:30 बज चुके हैं। ये मंथ बहुत बिजी था, हमने छुट्टी नहीं लेनी थी, लेकिन होना तो वो है जो ओनू मंजूर है। इट हैज बीन अ क्रेजी क्रेजी डे लास्ट टू डेज। ये क्यों हुआ पता है? आप लोग सब गाइस, हम लोग की लाइफ थोड़ी सी अपसाइड डाउन हो गई थी कल से। तो ये सारा फॉल्ट है नेहा का, क्योंकि पिछली वीडियो में नेहा थी सैड। तो नेहा के सैड होने का ये फर्क पड़ा है कि हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हम गए हैं अच्छे अच्छे भले ऑफिस से निकली है। नेहा हंसे तो कोई मुसीबत नहीं है। नेहा सैड क्यों हुई? नेहा सैड हुई नेक्स्ट डे हमारी गाड़ी हो गई पंचर। ऑफिस में थे हम, नेहा मेरे को पिक करने आ रही, गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी का फिर पंचर ऐसा हुआ भाई साहब, लाइक क्या हुआ पता है? फ्लैट टायर हो गई। एंड गेस व्हाट, मैंने जिंदगी में कभी फ्लैट टायर कैसे होता है मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो आई कॉल जस्ट, आई टुक अ राइड टैक्सी लेके मैं इसके पास पहुंचा। टैक्सी से वो सब्सक्राइबर ने मेरे को राइड दी, सो थैंक यू। एंड देन वहां आके फिर हमने सोचा अब क्या किया जाए। फिर हमने, बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी, आई हैव चेंज टायर्स बिफोर बट कल था -30। तो नेहा कहती है कोई जरूरत नहीं, टो ट्रक को कॉल करते हैं। हाँ। बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल हवा उसमें बिल्कुल थी ही नहीं, बट टो ट्रक्स की भी इतनी लंबी लाइन थी, लाइक वी वर स्ट्रैंडेड ऑन द रोड। मैंने हवा भरी बट इट डिडंट हेल्प आउट इट, क्योंकि हम लोग का ना और कोई दिक्कत थी टायर के सेंसर, एक्चुअली कोई सेंसर का इशू आ गया। हाँ। वो गाड़ी चलने नहीं दे रहा था, एकदम फ्लैट हुआ। तो फिर वो टो ट्रक वाला आया, उसने कुछ करा हुआ, एंड देन वो सेंसर की लाइट हटी, एंड देन वी कुड टेक इट टू कैनेडियन टायर जो ऑफिस के पास था। कैनेडियन टायर में गए तो कैनेडियन टायर गया अपना पंगा, हमें लगा चल अब ये अपना ठीक कर देंगे टायर। वो आ गया जी कि टायर तो रिप्लेस होगा, क्योंकि टायर में जो होल है इट इज अ बिगर होल एंड वी कैन नॉट पैच इट। सो हमने कहा ठीक है टायर रिप्लेस कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है। कैनेडियन टायर के पास हमारा टायर नहीं था, बताओ। इट वाज नॉट अ डे, कल का दिन ऐसा था कुछ भी कर लो उल्टा ही पड़ना है। तो अब क्या है, आज अगले दिन क्या सिचुएशन है अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले आया हो रही है रेडी, एंड आया को जाना है हमने स्कूल छोड़ने। ठंड आज फिर से बहुत ही कड़ाके की है हमारे पास। मैंने कहा था ना दो कु दिन है अभी हमारे जो वो जा ठंडे वाले होने वाले हैं, तो आज वैसा ही दिन है। तो -30 फील्स लाइक -34 समथिंग है अभी, और यही रहने वाला है पूरा दिन आज एंड लिटिल बिट ऑफ कल टू। कल फिर ड्रॉप हो जाएगा, कल फिर राइज हो जाएगा। हमारी लवली बेचारी गायब है, अभी आपको बताते हैं बाकी की स्टोरी। गाइस वो देखो, अभी तक मून भी है, फुल मून है, ये देखो। वाह जी वाह, ठीक है, और सनराइज भी हो रहा है। पिछले दो दिन से फुल मून था, सो इट वाज, इट्स यूजुअली कॉल्ड द फुल वुल्फ मून। मैं आपको जो नजारा दिखाने वाली हूँ ना, बी प्रिपेयर्ड, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज सो नाइस, आई डोंट हैव वर्ड्स। ऐसा बहुत कम होता है जब, ये देखो मून, देख रहे हो आप, मून भी है इस तरफ, एज सून एज यू कम वो देखो सनराइज हो रहा है, एंड इस तरफ का नजारा देखो, ये देखो, है ना सुंदर। इस तरफ एज सून एज यू कम वो देखो सनराइज हो रहा है ना, कितना प्यारा। इतनी ठंड है इस टाइम, इट इज -35 एंड मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो और फोटो बनानी थी, है ना, बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ओ माय गॉड, इट इज सो मेसमराइजिंग। एक ही मिनट में दोनों तरफ स्काई के कितना सुंदर नजारा है। मदर नेचर इज रियली सो ब्यूटिफुल। क्यों जस जी, ये सिर्फ नेहा सस्केचवन नहीं है, Saskatchewan is known for this, for and that's why it's called land of living skies. मैं तो ऐसे बोल दिया था वैसे, तो कुछ करने के लिए। So चलो, कुछ चीजें तो हैं ही अच्छी, ऐसी बात नहीं है, बट ठंड बहुत ज्यादा है इस टाइम बाहर। बट हमारा फोटोग्राफी सेशन हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर, नाश्ता पानी करेंगे। नाश्ता पानी कर लिया हमने, इतना मस्त लग रहा है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। आर्या को छोड़ के आओ, खाना घर पे आके नाश्ता करो और फिर आराम करो, ऐसी होनी चाहिए लाइफ। बट ऐसा कहाँ होता है, आप सुन रहे होगे मेरे पीछे। जस्ट एक्चुअली ना
टायर के कोट्स ले रहा है इधर उधर से, बिकॉज द एंड रिजल्ट इज वील हैव टू गेट द टायर होल रिप्लेस्ड, इट कैन बी फिक्स्ड। अभी आपको जस्ट बताएगा। बाग बनी हुई है, इसका मतलब प्लान है ऑफिस जाने का। अरे सब दिखा दिखा, नेहा की ने छुट्टी ले ली है, लेकिन गाड़ी एक्चुअली हुआ क्या उसके बाद की स्टोरी ये है। रात को कनेडियन टायर पहुंचे, कनेडियन टायर ने बोल दिया कि हमारे पास टायर इन स्टॉक नहीं है, वो वाला जो हमें चाहिए था गाड़ी में वैन के लिए। तो हमने कहा कि ठीक है फिर वो पा दो, स्पेयर ही लगा रहने दो, एंड देन स्पेयर चेंज करके हम घर आ गए। धीरे धीरे घर स्पेयर टायर तो छोटा होता है यहाँ पे ना, तो उसको जाते ही नहीं चला सकते, 60-70 पे चला के मैं घर ले आया धीरे धीरे। अब सुबह सुबह मैंने ड्रॉप करा हमारे मार्टिन्सविल की शॉप पे, मेरे को लगा ये शायद कुछ कर लेगा फिक्स, तो इसने भी बोल दिया कि नहीं फिक्स तो नहीं होगा और नया टायर एक ही मिल रहा है टाउन में और खर्चा मोटा है। मैंने कहा, लेकिन फिर मैंने जुगाड़ किया इधर उधर फ़ोन करके कि शायद कहीं से सस्ता टायर मिल रहा हो कोई, क्योंकि अब है ये कि वैन नहीं है, ओनली 25,000 किलोमीटर चली हुई है, तो जितने तीन टायर जिस कंपनी के हैं चौथा टायर उसी कंपनी का डालना रिकमेंडेड है। तो मैंने फ़ोन किया टायर एक्सपर्ट्स को, सब जगह हर जगह यही बोला उन्होंने, मिक्स एंड मैच ना करो। फिर हमने जितना भी था इसी को बोला अब कर दो भाई फिक्स, अब जो भी बिल ये बना रहा है बना रहा है, एंड देन बोल दिया इसको अब ये गाड़ी फिक ठीक होगी। ठीक होने के मेरे को लगता है जैसे ही अगर एक घंटे में मिल गई मेरे को 11:30 तक, तब मैं तो ऑफिस चला जाऊँगा, नेहा घर पे होगी, नेहा ने छुट्टी ले ली है। तो कट ऑफ है 10:30 हुए हैं, 11:30 बजे तक गाड़ी मिल गई तो आई कैन गो, अदरवाइज फिर 4 बजे तो छुट्टी हो जानी है, फिर 12:30 अगर मैं ऑफिस पहुंचूं 2-2.5 घंटे के लिए जाने की कोई तो नहीं। टाइम हो गया है 11:30 एंड कोई ऑफिस नहीं जा रहा, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, पूरा 28 हो गया, जस्ट हो गया, फोन कर दो अपने मैनेजर को, नौकरी से निकाल तो नहीं देगा, नौकरी से क्यों निकालेगा, एक दिन तू ऑफिस जाएगा तो नौकरी से निकाल देगा, अद्दी होगी यार। अरे यार चलो जस जी गेट बैक इन योर घर के कपड़े। नहीं मैंने देख ऑफिस का स्वेटर और घर का पजामा पहना हुआ था, तो पजामा घर का स्वेटर ऑफिस का एंड पग भी बंधी हुई है, तो पग को सरोपा कर लेंगे, अब क्या करें, मैसेज कर दूं पहले। अब आज हम रिलैक्स करेंगे, तेरे को बड़ी खुशी हुई है मेरे को, खुशी क्यों नहीं होगी, ये चाहती है कि मैं भी ना जाऊं बस, ऑब्वियसली मेरी छुट्टी हुई है तो तुम्हारी भी होए। इतना मुश्किल था ना जस्ट को मैसेज भिजवाना मैनेजर को, लाइक ही वाज वेटिंग फॉर समथिंग कि पता नहीं कौन सा करिश्मा होगा और एकदम से कॉल आ जाएगी हमारे मैकेनिक की, ये देखो रो रहा है। मैं CRV लेके जा सकता था लेकिन अब बच्ची को स्कूल से लाना है, फिर बच्ची को स्कूल कैसे आएगी, बसें कैंसिल है, ठंड इतनी ज्यादा है आज। That's okay, it's only one day, just it's only one day. ऐसे तो भी ऐसे तो कभी मतलब ऐसे कोई ऑफिस जाने के लिए तो कभी नहीं रोता यार कोई। मैंने तो बोला था तेरे को कि बच्ची पैदल आ जाएगी घर। पैदल आएगी यार वो इस वेदर में, हद हो गई है, हाउ क्रूअल यू आर यार। मैं तो बड़े गंदा पेरेंट हूँ, बैड मॉम पिक्चर आई थी ना, मैं बैड फादर हूँ। तो इसलिए इतना ज्यादा ना अफसोस जिताने की जरूरत नहीं है, एक दिन छुट्टी है तो है ऑफिस की, इतना ज्यादा जस्ट वर्कहोलिक बनने की जरूरत नहीं है। यू आर लाइक यू आर सो सैड छुट्टी लेके, मेरे को ये नहीं समझ आता, इट्स फाइन यू विल गो बैक टुमारो। आ गया हूँ मैं अपने घर वाले अवतार में और रैप बन रहे हैं, ये ना बंद गोभी मटर मम्मी ने सब्जी कल दी थी उसका रैप बन रहा है, ये लाए थे वंडर के रैप्स, तो अब उनको रैप को सब्जी में रैप, सब्जी को रैप में रैप करके खाना है। इतने इतनी धुर करी है ना, मैंने इधर रखे हैं अपने कॉर्न और इसने मेरी गैस ही बंद करी है यार, मैंने गलती से इसकी मैंने करी है, तो जो कुक होता है वो अपने अपने अपना खाने की जिम्मेदारी खुद लेता है। नहीं सच्ची मैंने सोचा कि मैं ये वाला जो है वो इसका है, तो मैंने ऑन कर दी जबकि वो ऑन ये हो गई और इसके रैप बन गए और हमारे कॉर्न वहीं के वहीं रह गए। इट वॉज वेरी एविडेंट, यहाँ पे निशान है तो ये बंद था। कभी कभी रसोई में आओ ना ऐसा होता है जजी, इसलिए यू गॉट टू मेक फ्रीक्वेंट विजिट्स टू दिस किचन। इधर आना पड़ेगा, हाँ वीजा नहीं था मेरे पास, वीजा नहीं था, तुमने वीजा कैंसिल कर दिया मेरा, आजकल बात ना कर देना मेरे सामने, मेरे को ना छेड़ मत देना गलती से। आजकल वीजा कैंसिल हो रहे हैं ना, वीजा मेरा किचन का वीजा कैंसिल हो गया था, सॉरी अब मैंने OCI अप्लाई करना है। नहीं तुमने खुद छोड़ी थी, तुमने कुछ छोड़ी थी आगे सिटीजनशिप, ठीक है अब तुम्हें OCI चाहिए। बड़ी लंबी कहानी है, बताएंगे किसी दिन आपको। ये देख लो जी रैप बना है, बंद गोभी मटर का रैप है, चटनी इसने गलत डाल दी मेरी, मैंने ये खानी थी, चलो कोई बात नहीं, और साथ में जूस नया ले आई, कॉर्न मैंने बना लिए,
और ये है हमारा लंच 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 बनाया मैंने। लंच ऐसा टाइम है 12:15, बिल्कुल राइट टाइम मानना चाहते हैं हमारे साथ। और छुट्टी तो करनी पड़ गई, अब क्या करें। धूप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये नकली धूप है बाहर। हाँ, कड़ाके कड़ाके वाली ठंड है बाहर, तो हम तो अंदर है ना, हमें तो असहनीय लग रही है धूप। सारा दिन वेलियां मारने के बाद नेहा और मैं, मतलब मैं तो काम ही करता रहता हूँ। मैं अगर काम नहीं, अच्छा। आ गई मैं जब काम नहीं भी कर रहा होता ना, तभी मैं काम के बारे में सोच रहा होता। अच्छा, तो काम हो गया, अपने आप ही काम हो गया। सो अब हम भाइयों को स्कूल से ले आए हैं, होमवर्क की तैयारी है, होमवर्क वगैरह होगा। गाड़ी अभी तक नहीं आई, फोन की गाड़ी आगे ले जाओ, मैं परेशान आ गया, मेरे को अंदर से टेंशन हो रही है। आज भी गाड़ी ना मिली तो हम कल क्या करेंगे। वेरी गुड किस बात पर हो गया। ये सबसे ज्यादा मेरे लिए नर्वस मोमेंट होता है, आके लंच चेक करना। वेरी गुड खा के आओ, शुक्र है जी, खाई है बच्ची लंच। 4:30 बज गए हैं, अब जाके वेला आया है कि जा, गाड़ी वाले का फोन आ गया कि आके ले लो। अब हम जा रहे हैं सारे गाड़ी लेने, एक गाड़ी पे जाएंगे, दो पे आएंगे। शुक्र है बस मिल जाए, शुक्र है बस ठीक हो जाए। नेहा जी ड्राइव कर रही हैं, क्योंकि फिर वहां स्विच नहीं करना पड़ेगा हमें। ये कह रही है मेरे को लवली में, तुम ऐसा करो तुम अभी उधर जाओ दोनों लवली। हम नेहा तू हमें इतनी तू वो हो गई है, क्या कहते हैं उसको, निर्दयी की तू। अच्छा, हमें मैं माइनस निर्दयी हो गई हूँ, तुम्हें ना इस गाड़ी की कदर नहीं है बिल्कुल। -30 में तू हमें बाहर छोड़ देगी। अच्छा बाहर छोड़ देगी, तुम्हें इस गाड़ी की कदर नहीं है। आज इस गाड़ी की वजह से आई है, स्कूल जा पाई है, लेकिन इस गाड़ी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। क्या करें अब, जब मत्था टेके उसको, वो प्यार कर लो थोड़ा सा, बेचारी तुम्हारे दुख सुख में इतना साथ देती है। मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ, तू तो बेचने चल पड़ी थी। मैं कोई बेचने नहीं गई थी, डाला था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे टाइट हो जाता हूँ, मेरी पकड़ जाती है, मेरे लिए हाइट कम है। अच्छा हाँ, डोंट लाए नाउ। तो ना आप वीडियो बनाते बनाते ना, एक मिनट में मार थोड़ा थल्ले कर लो। वीडियो बनाते बनाते ना अभी क्या हुआ कि मैसेज आया आर्या के स्कूल से कि ईमेल चेक करो। हम डर गए, हमने ईमेल चेक करी, तो मसला वही है जो ओमिक्रॉन के कारण ना, स्कूल्स आर डीलिंग विद कोविड टेस्ट, स्कूल्स आर डीलिंग विद स्टाफ शॉर्टेजेस, बिकॉज स्टाफ क्या स्टाफ को हो जाता है तो फिर टीचर छुट्टियां ले लेंगे ना। परसों ही न्यूज में नेहा बता रही है, आया था कि क्यूबेक में टीचर्स नहीं है, तो पेरेंट्स को बोला गया है सुपरवाइज करने के लिए। हाँ। जो जब बच्चे जिम में वगैरह में होंगे तो, सो इट इज गेटिंग क्रेजी। आज भी मैंने भी न्यूज आर्टिकल पढ़ा नेहा, कि ग्रोसरी स्टोर्स में ना 30% स्टाफ जो है ना, मतलब एवरी डे 30% स्टाफ एबसेंट हो रहा है। हमारे ऑफिस में ना लेफ्ट राइट सेंटर, लाइक देयर इट इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी, सो ऑब्वियसली बहुत एम्प्लॉइज हैं, तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं हमारे ऑफिस में। तो आई एम वंडरिंग, हमारा भी ऑफिस शट डाउन होके वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। तो आई थिंक देयर विल बी अ पॉइंट जब सब कुछ हर कोई पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनली इट विल बी बैक टू नॉर्मल लाइक, एंड दे विल ट्रीट इट एज कोल्ड। ये ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि कल मैंने भी पढ़ा था कि वो ये पेंडेमिक एंडेमिक ऐसे ही बनना है, कि ये जो ओमिक्रॉन आया है दिस इज गोना बी अ नेचुरल इम्यूनिटी, सबको होगा इवेंचुअली, बिकॉज ये फैलता बहुत ज्यादा है। मतलब कह रहे हैं मार्च आते आते ना केसेस आप देखोगे बहुत ज्यादा कम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया है कि ये कोल्ड एंड फ्लू में ही ट्रीट किया जाएगा। वो कहते हैं बस अब अगर आप वैक्सीनेटेड हो ना तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने यही फॉलो करना है, एंड एवरीथिंग विल गेट सून गेट ओपन। So, ये हो जाएगा, मतलब मार्च में आते आते कहते हैं ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। बट आई थिंक 2022 विल सी एन एंड ऑफ दिस बिग पैंडेमिक। हाँ, बट इट विल स्टिल लिंगर अराउंड एज अ कोल्ड एंड फ्लू। हाँ, इट विल बी लाइक एनी अदर फ्लू, जैसे डिफरेंट टाइप्स के फ्लूज होते हैं। हाँ, कोल्ड एंड फ्लू होके रह जाएगा, ये नाम दे दिया गया है कोविड, इसकी तो पिल भी आ गई है। अब जैसे अब हमारे तो इसी हफ्ते सैटरडे को तक आ रही है पिल हमारी। हाँ, नहीं, हाँ। फाइजर ने जिसने वैक्सीनेशन बनाई है उसी ने जो पिल बना दिया ना जो दे सकते हो, तो वो मेरे को लगता है ओवर द काउंटर वगैरह मिलनी शुरू हो जानी है। वो हमारे सस्केचुअन में आ रही है इस बाय द एंड ऑफ दिस वीक, अभी न्यूज में आया हेल्थ कैनेडा ने अप्रूव कर दिया। होगा, खाओ 3 दिन के लिए, अपने आप को मॉनिटर करो एंड देन बैठो। जैसे कोल्ड होता है, कोल्ड घर पे होता है तो सबको होता है, वैसे ये भी घर पे होगा तो सबको हो जाएगा। भैया क्या करोगे तुम, ये देख लो गाड़ी खड़ी हुई है, टायर भी चेंज हो गया है पैसेंजर रियर साइड का, जस्ट अंदर पेमेंट करने गया है। तो आर्या वहाँ पे मूव हो रही है, आर्या कह रही है मैं वहाँ पे चली आऊंगी डेडा के पास। ऐसी है ये देखो, शी लव्स लवली, शी डजंट लिव लव मम्मास कार। गाड़ी ठीक रहना यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है, बी यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सास्केटून में है, सो ऑब्वियसली योर लाइफ
स्टॉप्स इफ योर व्हीकल इज नॉट इन अ रनिंग कंडीशन। आ गए जस जी अपना करवा के फटका। कितने का फटका? क्या करेगी नेहा जान के, तू तू टेंशन ना ले। अच्छा अच्छा, फिकर ना कर, चल फटका लगा लेगी। अब क्या करें, चलो दिस इज अ नेसेसिटी कॉस्ट है तो हम खुश हैं इसी बात से कि चलो ठीक होगी ना। हाँ, जाओ जो ठंड है आर्या को भी बिठा दो। देखो जा रही है आर्या रानी, कहती है उसी में बैठ के जाना है, इसकी फेवरेट कार है वो ना। तो आज का जो हमारा दिन था बड़ा ही टेंशन में गाड़ी की फिक्र में निकल गया। अब आ गया है टाइम सफर का। सफर देख लो, आज सफर नया घर थी तो सफर जल्दी है। नया तेरे को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए मेरे को लग रहा है। आई विश मेरी को ये मुराद पूरी कर दे। रिटायरमेंट ले लो मैं और अपना घर रहो, आराम से अपना कुछ काम ना हो, सुबह आइया को भेजो, जस को भेजो, उसके बाद घर रहो। तो जी रोटी में आज बने हैं छोले, तो छोले चावल खा रहा हूँ मैं और साथ में बंद गोभी मटर की थोड़ी सब्जी है। एंड आया छोले के साथ रोटी खा रही है, चावल बाद में खाएगी। एंड बहुत ही सोना पीछे सनसेट हो रहा है। पिछले मैं बोलने ही वाली थी, मैंने कहा तू कहेगा, पर पिछले वीडियो में मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाई दिए हैं सनसेट के, बहुत ही अच्छे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ करना ना भूलना। Don't forget to subscribe, like, share it with your friends. Stay rock, stay bubble, stay mama, stay dada, stay Arya. Bye. Bye guys. Thank you for watching.